तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वाटर सप्लेटर, जो कि ये कंपनी ने दिया है और बहुत ज़रूरी है। जो टैंक में डीजल के साथ में, जो डीजल के साथ वाष्प बनकर और पानी का रूप लेता है, वो पानी को ये रोकता है और डीजल को FIPP पंप में जाने देता है, यानी कि शुद्ध डीजल को जाने देता है। और जो पानी मिक्स डीजल है, वो पानी को ये अलग करता है। डीजल से पानी को अलग करना इसका काम है। तो जब ट्रैक्टर चलता है तो टैंक में डीजल होता है, और जब ट्रैक्टर जर्क करता है तो जर्क करने से डीजल भी टैंक में जर्क होते रहता है, जिसके कारण डीजल में हीटिंग आता है, और वो हीटिंग आने से इसमें वाष्प बनता है, और वाष्प बनकर वो पानी का बूंद बूंद रूप ले लेता है, और वही पानी फिर यहाँ से इस जगह में आता है। और इसका कनेक्शन भी मेन टैंक से सबसे पहले कनेक्शन जो आता है डीजल, वो वाटर सप्लेटर में ही आता है, क्योंकि ये पानी को और डीजल को अलग करता है। तो पानी और डीजल दोनों मिक्स होकर टैंक से आता है और ये वाटर सप्लेटर में आता है, और यहाँ आने के बाद डीजल हल्का होता है पानी के अनुकूल, और पानी ज़्यादा वजन होता है, तो पानी नीचे बैठ जाता है वाटर सप्लेटर में और डीजल ऊपर ऊपर में रहता है। तो इसमें शुद्ध डीजल जाते रहता है, जो कि FIP पंप और इंजेक्टर में जाता है। तो हमारे ये FIP पंप और इंजेक्टर को आयु को लंबित बरकरार रखता है। इसका काम है इसकी पंप को आयु को बढ़ाना, यानी कि मेंटेन करना। तो ये डैमेज होने से इसको बचाता है, और साथ साथ इंजेक्टर को भी। तो इसमें एक लाल रंग का रिंग डाला होता है, जो कि जैसे ही इसमें पानी जमा होता है तो वो रिंग डीजल में नीचे बैठता है और पानी के ऊपर ये ऊपर ऊपर आता है, यानी कि पानी में ऊपर आता है और डीजल में ये नीचे बैठता है। तो जितना रिंग ये ऊपर आते जाता है, ऐसे यहाँ पर एक स्टिकर और मार्किंग रेड कलर का कंपनी का दिया रहता है, लेकिन वो मिट गया है। तो ये रिंग जो इसमें वाटर सप्लेटर में रिंग है, वो जैसे जैसे इसमें पानी भरते जाता है वैसे वैसे ये ऊपर उठता जाता है। तो हमें ये देखना है कि ये रिंग अगर ऊपर आता है, तो जैसे ही ऊपर आता है तो हमें इस ड्रेन प्लग को खोलना है और इसके सारे पानी को बाहर निकाल देना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये मेन नल को ऑफ कर देंगे इस तरह से। ये ऑफ हो चुका है, और उसके बाद हम इस प्लग को हम घड़ी की उल्टी दिशा में खोल लेंगे, और इसको खोलने के बाद सारे पानी को इससे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखें इस तरह से बिल्कुल पानी आ रहा है। ये पानी है, और इस तरह से हम पानी को निकाल लेते हैं। अब उसके बाद ये डीजल आने लगा, इसका कलर येलो कलर का आ गया, और इस तरह से हम इसे पूरी तरह से डस्ट को भी बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से अब हम ये ड्रेन प्लग को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाते हुए और टाइट कर लेंगे। तो ये वाटर सप्लेटर हमारे FIP पंप इंजेक्टर के आयु को बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। तो हमें 10 से 15 दिनों में इसे एक बार इस रिंग को, या इस तरह से यह पारदर्शी फिल्टर है, इसमें आपको देख लेना है। और देखने के बाद अगर इसमें पानी का मिक्स है, यानी कि इसमें पानी है या रिंग ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो हमें ये ड्रेन प्लग को घड़ी की उल्टी दिशा में खोलना है। उसके पहले नल को यहाँ से ऑफ कर लेंगे, और इस ड्रेन प्लग को घड़ी की उल्टी दिशा में खोल कर और सारे पानी को हमें निकाल देना है। अगर हम इसे नहीं निकालते हैं तो ये पानी उठता उठता ऊपर आएगा, और ये पाइपलाइन से पानी मिक्स होकर और डीजल FIP पंप के अंदर जाएगा, जिसके कारण से इंजन भी मिक्स चलेगा, और ये जो FIP पंप है उसके सारे पार्ट्स में घिसावट होना, जंग होना, और इंजेक्टर में खराबी आना, और डीजल का माइलेज ना आना। तो हमें इस तरह से इसे 10 से 15 दिन में, एक वीक में भी इसे एक बार चेक जरूर करना है, क्योंकि ये हमारे FIP पंप इंजेक्टर के आयु को मेंटेन करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।